वज़ीर आज़म साहब 90 दिन की निगरान हुकूमत आपने 6 माह तक चलाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू। मतीउल्लाह जान, मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्जाम लग रहे हैं उनका दिफा किया। तो ये जो लोग बाजियाब हुए, आपसे आप सवाल है, मैं क्यों पूछूं? आपने पूछा कि बाजियाब कहां से हुए, किसकी तहवील में थे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इतना सा खामोश क्यों रहे? ये आप फिर उसी इल्ज़ाम को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले अपने सवालात को जब आप फ्रेम करते हैं, बराए मेहरबानी उसको भी सोचा करें। आपसे पूछ के तो सवाल नहीं फ्रेम करने, ये बंदे किधर थे, किसकी तहवील में थे, अदालत को पहले क्यों छुपाया गया? अदालत से जब मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ ना, आप लड़ने की कोशिश करते हैं। सर, हम आपको अर्ज ये कर रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है और आप इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते के पास से ये लोग, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहते। सीटीडी के पास नहीं थे ये लोग? हम करेंगे इंक्वायर, जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता दें। सर, निगरान हुकूमत ने किस आइन के तहत 6 महीने का वक्त गुजारा है? 1973